नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में देखेंगे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 करेंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपको रिवीजन करना है 1 से 15 दिसंबर के बीच जितने भी टॉप करेंट अफेयर्स बने हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो के अंत में आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। फर्स्ट, किस शहर में खेलो इंडिया युवा खेल 2019 आयोजित किया जाएगा? उत्तर होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसे हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है? उत्तर होगा जमाल खाशोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसे मिस वर्ल्ड 2018 के रूप में ताज पहनाया गया है? उत्तर होगा वेनेसा पोंस डी लियोन, जो कि मेक्सिको के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शहर में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? उत्तर होगा मोहाली। क्वेश्चन नंबर 5, नासा के अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जिसने हाल ही में सौर मंडल के छोर तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया? उत्तर होगा वॉएजर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, किसने हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? उत्तर होगा के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के अनुसार विश्व के किस भाग में वर्ष 2014 से 18 के दौरान कुल 28,523 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है? उत्तर होगा खाड़ी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 31 दिसंबर तक देश भर में 40 नई शाखाएं खोलेगा जिससे उसकी कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 978 हो जाएगी? उत्तर होगा बंधन बैंक। क्या आप ये बता सकते हैं बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, TVS मोटर के चेयरमैन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है? उत्तर होगा वेणु श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य के हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा है कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था? उत्तर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे ने जनवरी 2019 में प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले के लिए 700 करोड़ रुपये की कितनी योजनाएं शुरू की है? उत्तर होगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में 1 दिसंबर तक दुनिया भर में कितने पत्रकार जेलों में बंद किए गए हैं? उत्तर होगा 251। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर होगा 31 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा राष्ट्रीय पशु धन मिशन EDEG पोर्टल शुरू किया है? उत्तर होगा एन सी यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2018 को कहाँ कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर होगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिसंबर 2018 में मणिपुर के खिलाड़ियों में से किसे मी थोई लिमा खिताब से सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, उत्तर होगा मैरी कॉम। दिसंबर 2018 में मणिपुर के खिलाड़ियों में से मी थोई लिमा खिताब से मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत और
किस देश के बीच 10 दिसंबर 2018 को हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई है? उत्तर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के खिलाफ 10 दिसंबर 2018 को ऋषभ पंत ने किसी विकेट कीपर द्वारा एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक 11 कैच लेने के पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर जैक रसल और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 10% की बजाय कितने प्रतिशत योगदान करेगी? उत्तर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आईसीसी ने 10 दिसंबर 2018 को किस देश के स्पिनर अकीला धनंजय के गेंदबाजी एक्शन को अवैध करार देते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से निलंबित कर दिया है? उत्तर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध प्रभावित यमन में कितने करोड़ लोग भूख का और कम से कम 2.5 लाख लोग तबाही का सामना कर रहे हैं? उत्तर होगा 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन और पूंछ वाले एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर वेलगाटा ईटन की पहचान की है? उत्तर होगा रूस। नेक्स्ट, किस आईआईटी संस्थान ने साइबर सुरक्षा शिक्षा के लिए DSCI एक्सीलेंस अवार्ड 2018 जीता है? उत्तर होगा खड़गपुर। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने किस प्लेटफॉर्म का नाम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के रूप में बदलने का प्रस्ताव रखा है? उत्तर होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेड प्लेटफॉर्म। क्या आप ये बता सकते हैं सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 9 दिसंबर 2018 को कन्नूर में राज्य के चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? उत्तर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों से हराकर भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट सीरीज का शुरुआती मैच जीत लिया है? उत्तर होगा 31 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 7 दिसंबर 2018 को आयोजित बैठक में कौन सा समूह तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कटौती करने पर सहमत हुआ है? उत्तर होगा ओपेक। ओपेक का पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। रिपीट करता हूँ, ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गोल्फ में एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट को जीतने वाला सबसे छोटा भारतीय बनने का गौरव किसने हासिल किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका उत्तर होगा शुभंकर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने टेलकम पाउडर के उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी कि इसके प्रयोग से फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है? उत्तर होगा कनाडा। नेक्स्ट 34वां सार्क चार्टर दिवस 2018 को किस तारीख को मनाया गया? उत्तर होगा 8 दिसंबर को। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने टेस्ट की एक पारी 6 कैच पकड़ने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? उत्तर होगा ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य सरकार ने कृषि व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन के लिए स्मार्ट पहल शुरू की है? उत्तर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय नदी पर शाहपुर कंदी बांध का निर्माण
किए जाने की मंजूरी मिल गई है। और दोस्तों मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपके सामने प्रोवाइड कराता रहूँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। शाहपुर कंदी बांध बनने से किस राज्य में पानी की कमी दूर हो जाएगी? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जारी कृषि निर्यात नीति 2018 के अनुसार नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगना करना है? उत्तर होगा 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है? उत्तर होगा 14%। नेक्स्ट किस देश की सरकार ने 18 अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को देश से बाहर निकलने की आदेश दिया है? उत्तर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। लेखकों में से किसे हिंदी भाषा के उपन्यास श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? उत्तर होगा सुश्री चित्र मुदगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो उत्तर होगा आँख। तो दोस्तों ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का दिसंबर माह का। अब देखते हैं आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं दिसंबर माह का। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी अगला वीडियो और बनाकर दे दूं तो आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।